मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेक ब्रेक लेके आ गए हैं ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा मॉडल सेट का ही ऑब्जेक्टिव चल रहा था 51। एकदम हिला देंगे रे बाबा, एनर्जी चाहिए एनर्जी। कहते हैं अगर मान लिया जाए, अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई पहले, तो प्रीवियस चीज को भूल के काम कीजिए। कहावत है छोटी सी, दो लाइन हम बोल दें, और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब तक हम कोशिश करते रहेंगे हारेंगे नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमेशा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस बराबर है एरे मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बराबर एरे मैथमेटिक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है यदि दो समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात, दैट इज सिंपल, आपको कहता है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको चाहिए ए का मान, किसका मान, ए। अगर दो लाइन पैरेलल्स है, दो लाइन पैरेलल्स है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ध्यान दीजिए, आपको दोनों का रेशियो होता है ए बाय 15। अब बताए थे ए वन बाय टू, बी वन बाय टू, सी वन बाय सी टू, यहां आ जाएगा 4/12 के बराबर हो जाएगा, 4/12 के बराबर हो जाएगा। इसको 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, और ए को साइड भेज देंगे तो सीधा मान आएगा 5। ए का मान कितना आ गया, 5। राइट आंसर इधर बी, क्लियर है। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना है, मजा आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर, ये तो 52, दो समांतर रेखाओं के दिक् का अनुपात यही दिया हुआ है, तो B3 B1 बता रहा है, मतलब फिर से डायरेक्शन रेशियो का अनुपात दिया हुआ है, तो बोल रहा है B3 B1 किसके बराबर होगा। चलिए अगर दो लाइन बराबर है तो A1 / A2 बराबर B1 / B2 बराबर A3 / B3, यही दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमको चाहिए B3 / B1, मतलब इतना ये ऊपर हो ये नीचे हो, तो इन दोनों को अगर आप बराबर करके देखिए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर हम इनको बराबर करेंगे तो यहाँ B3 आएगा, तो यहाँ A3, मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ध्यान दीजिएगा, A3 / A1 हो जाएगा, A3 / A1 हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, इन दोनों को बराबर कीजिए, इनको और इनको बराबर कीजिए, इनको बीच वाले को भूल जाइए, बीच वाले को भूल जाइए। अगर हम इनको भूल जाए, इन दोनों को सिर्फ बराबर करें प्यारे बच्चों, तो B3 ऊपर आएगा, आइए B1 तो नीचे है, ये है, यहाँ पे A3 ऊपर में है, और यहाँ पे A1 नीचे चला जाएगा, A1 नीचे चला जाएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर इज द A3 / A1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तब कहता है 3A + 5B का मान कितना होगा। आप समझिए, दो लाइन अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट करके जोड़ेंगे, 0 के बराबर होता है, दैट इज A1 A2। तो 3 को A से गुणा करेंगे हो जाएगा 3A, 5 को भी से जाएगा 5B, और ये जाएगा 2 को अगर 7 से करेंगे तो 14, और इसी किसके बराबर होता है, 0 का। वो पूछ रहा है 3A + 5B का मान पूछ रहा है, 3A + 5B का मान, तो माइनस 14। तो राइट आंसर देख लेंगे, माइनस 14 कहाँ पे है, डी, माइनस 14 राइट आंसर इधर डी, एक माइनस एक्स्ट्रा लिखा गया था उसको हम हटा देते हैं, माइनस 14, क्लियर है। चलिए अब कहता है इसका भी मॉडुलस होता है, सिंपल है भाई, 5 × 25 = 26 × 27 × 3√3 हम लोग नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, दो ये दोनों बराबर है, तो कह रहा है A, B, अगर बराबर है तो पहले दोनों रिलेशन को बराबर करके ए और बी का मान निकालेंगे, A, B पूछ रहा है, बता देंगे। तो यहाँ देखिए 5A - 8 का मान हो जाएगा किसके बराबर, ए के बराबर, तो हो जाएगा 5A - 8 = A, तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे, 4A = 8, तो ए का मान टू, 2B - 1 का मान है B के बराबर, तो B को इधर लाएंगे तो B बराबर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2, 1, राइट आंसर इधर बी, राइट आंसर इधर बी। देखिए ना, सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको लिखा हुआ इधर 2B - 1 का मान है B, इसको इधर लाएंगे तो 2B में से B गया B, और इसको इधर जाएंगे B का मान 1, तो 1, 2, राइट आंसर इधर 2, 1, क्योंकि A, B बोला है, हर चीज को ध्यान रखना होगा आपको, 1, 2 भी दिया हुआ था। थोड़ा सा कहते हैं सावधानी हटी, कह रहा है दुर्घटना घटी, नहीं रे, पूरी जिलेबी बटी, एक अड़ती गलत हुआ ना बाबा, पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। एगो ट्रैक्टर के पीछे उस दिन पता था क्या लिखा हुआ था बाबा,
लिखा हुआ था, एगो ऐसे ही बच्चा सब देखते हैं घर में लटक जाता है, कैसे लटक ले बेटा तो गल ले बेटा, समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, समझ में आया तो धमाका, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 की तरफ चलेंगे। 56 में दिया हुआ है आपको इस डिटरमिनेंट का मान निकालना, ठीक है? ध्यान समझिए, देखिए आपको एक बात और बताएंगे, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। विजुअलाइजेशन इन द सेंस कि आप उस क्वेश्चन के प्रति पहले सोचे, आखिर इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, जैसे हमने भी सोचा हाँ भाई क्या करेंगे, हमने देखा वो तेरी के 14, 3, 17, 16, 8, 24, 17, 9, 26 तेरी का, अगर हम ऐसा कर दें कि इन रो वन लिखें, रो वन में रो वन प्लस रो टू को जोड़ दें, ये कहता रोटी को जोड़ेंगे, रोटी को नहीं रो टू को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 14, 3, 17, मतलब एक डिटरमिनेंट हमारा बन जाएगा 14, 3, 17, यहाँ हो जाएगा 16, 8, 24 और यहाँ हो जाएगा 17, 9, 9, 7, 16, 26 और यहाँ भी दिया 17, 24, 26 और आपको पता है दो रो या कॉलम बराबर है तो डिटरमिनेंट का मान जीरो, डिटरमिनेंट का मान जीरो, कोई दिक्कत? आइए इसमें भी देखते हैं, फिर से सोचे अच्छा ये भी तो वही है, अरे बाबा सेम टू सेम क्वेश्चन है, 5, 2, 7, 5, 2, 7 और 2, 1, 3, 3, 1, 4 ये दोनों समान हो जाएगा, फिर दो बराबर है तो मान जीरो, मान जीरो, कहानी खत्म। इसमें आइए ये है, इसको इसके गुना करेंगे, अगर हम कॉस को सेक्स से गुना करेंगे तो वन होता है, क्या होता है बाबा वन, बीच में माइनस, ई माइनस आके इसको कर देगा प्लस, सेक को साइन, कोसेक को साइन से गुना करेंगे वन, वन वन मिलके दो ही होता है, राइट आंसर इधर सी होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखिए, फिर से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, आप याद कीजिए इसी मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर वन की तरह है, क्लियर है? तो देखिए कभी कभी सेम टाइप का क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, बढ़िया से समझ के बनाना है और मजा आएगा बाबू, इंटरेस्टिंग है। देखिए ना इसको एक से गुणा करेंगे 5 और 0 करेंगे तो ये आ गया 5, मतलब यहाँ का रिजल्टेंट 5 क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको जब करेंगे तो 7 ये आएगा 7, खत्म हो गया, इसको करेंगे 0 ये आएगा 3 और इसको करेंगे तो ये 0 और ये आएगा 4, तो 5, 7, 3, 4 खोजिए, 5, 7, 3, 4 इधर राइट आंसर इधर भी, थोड़ा सा सोचेंगे क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक बार में गुना कर कहानी खत्म, 3, 3, 9 में से 7 गया 2, नहीं समझ में आया? समझिए जिनको दिक्कत हुआ उसके लिए, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 गुना 3, इसको करेंगे 7 प्लस नहीं माइनस 7 हो जाएगा, 7 गुना माइनस 1 है ना, तो माइनस 7, 9 में से 7 गया 2, तो 2 के साथ एक ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा, राइट आंसर इधर ए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें भी गुना करना, चलिए गुना कर लेते हैं, इसको एक बार गुना करके देख लेते हैं, अगर इस 4 को 5 से करेंगे तो -20 क्योंकि एक ही रो है लेकिन कॉलम दो है, एक रो दो कॉलम, तो 1/2 ही फोन करेगा, तो इसका हो गया 4 × 6 = 24, ये प्लस में एगो प्लस में एगो माइनस में, -20, -24 खोजिए कहां पे है, -20, -24 कहां है, पेज नंबर -20, -24, -20, -24 राइट आंसर इधर ए, राइट आंसर इधर ए, एक बार देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को, कहीं गलत तो नहीं हुआ? तो यहाँ देखिए इसको इससे गुना करेंगे ये +24 होगा, फिर से बैक आइए +24 होगा, ए वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे +24 होगा, तो -20, 24 ये राइट आंसर इधर बी होगा, क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है कि किसी भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, अभी अभी तो अपन जानते हैं ना रे बाबा कि मैट्रिक्स को अगर किसी कांस्टेंट वा से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना उसके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए 3 को 3 -3 3 2 6 3 3 9 राइट आंसर इधर, आगे बढ़ जाओ कोई दिक्कत नहीं। समझिए इसमें कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग टाइप का क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को करने के लिए आपका प्रैक्टिस आपको इंपॉर्टेंट बनाता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + 2y सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन सेंस से इसको गुना करेंगे, x + y = 10, x + y = 10 का ग्राफ यही होगा, ये भी 10 और ये भी 10, क्यों 0, 0 रखेंगे, x का मान 10, 10 आ गया। अब इससे कॉर्नर x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट एगो ये है, एगो ये है और एगो ये है, तो 0, 0, 10, 0, 0, 10। अब सब पर मान निकालिए, किसका इसका, अगर 0, 0 पर निकालेंगे तो एक मान आएगा 0, एक मान आएगा 0, अगर आप 10, 0 पर निकाले तो इसका मान आएगा 10 और लेकिन 0, 10 पर निकालेंगे तो इसका मान आएगा 20, इसका मान आएगा 20, पूछ रहा है मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम होगा 20, कोई दिक्कत? अब बहुत बच्चा क्या करेगा इसका डायग्राम देखिएगा, अरे बाप रे बाप ये तो बहुत भारी है, भारी नहीं है, दिमाग प्रैक्टिस सब एक साथ लगेगा, अगर आपके अंदर श्री कृष्ण वाला बुद्धि आ जाए ना
अगर चाहता तो पूरा महाभारत को 5 मिनट में खत्म कर सकते थे श्री कृष्ण भगवान। तो दिमाग चाहिए, हर तरह से आपको प्रैक्टिस बनाना होगा, जज्बा चाहिए अंदर में। मैथ में ही यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 में 100 कर सकते हैं, और वो अपनी बदौलत से, किसी और की बदौलत नहीं, खुद की बदौलत से। क्लियर है? चलिए फिर से एक क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, सिंपल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है। सर इस पॉइंट निकालिए, इसका मान 25-25 पर होगा, डायरेक्ट 25 यहां पे भी और 25 यहां पे भी, क्योंकि एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान 25, वाई का मान 0 रखेंगे एक्स का मान 25। ये 25, ये आ गया 0.25 और ये आ गया 25.0, 25.0, एक आ गया आपका कॉर्नर पॉइंट 0.0। अब पूछ रहा है क्या मैक्सिमम वैल्यू, चलिए एक बार 0 पर रखते हैं, 0.0 रखेंगे खत्म। अगर 0 रखेंगे तो ये 0-25 बेकार है, 25.5 125, राइट आंसर इधर भी। क्लियर है? थोड़ा सा माइंड चाहिए, मजा आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं ये सब आपका डेवलप हो रहा होगा, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। एगो काम जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाल बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि दोस्तों के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचाने में आसान हो। शेयर करना मत भूलिएगा, समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्या कहता है? मिनिमम वैल्यू। अब देखिए एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है तो मिनिमम वैल्यू सिंपल है। सबसे पहले इसका देखिए, एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाइए, एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान आएगा 4, वाई का मान आएगा 4, एक्स का मान, वाई का मान 0 रखेंगे एक्स का मान आएगा 2। एक ग्राफ बना लीजिए, क्लियर है? यहाँ का आया 2.0, यह आएगा आपका 0.4। आप जरा ध्यान दीजिए, एक सेंटर पॉइंट आपका 0.0 है, सॉरी कॉर्नर पॉइंट 0.0 है, 0 पर मान निकालते हैं, मान निकाले 0.0 पर 0 आ गया। पूछ रहा है क्या मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम पे बात करेंगे। अब ये रखेंगे तो ज़्यादा ही आएगा, ये रखेंगे तो और ज़्यादा ही आएगा, तो राइट आंसर इधर 0, राइट आंसर इधर 0, क्योंकि मिनिमम पूछा है। ये रख के चेक भी नहीं करेंगे, कहा है तो 0.0 ही मिनिमम होगा, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव है, रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर हो रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए डॉट, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ लेके। बहुत मज़ा आ रहा है सभी को बच्चों, एकदम। हमें उम्मीद है कि आप इस बार कुछ हो ना हो सीधा 99 नहीं पूरे 100 ट्रिपल डिजिट में बात करेंगे, मैथमेटिक्स में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर है जिसमें आपको डबल ऑप्शन है। क्या पता कल प्रोसेस बदल जाए, मजे से खूब मजे में पढ़िए और नंबर उठाइए। चलिए 66 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आई को जे के साथ डॉट लगेंगे खत्म, जे को जे के साथ ही डॉट लेंगे तो 1 आएगा और बाकी के साथ भी लीजिएगा खत्म, तो राइट आंसर इधर ही, राइट आंसर इधर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, कहता है अब आपको हम पहले ही बोले थे बाबा अपुन का एक बुक आता है जिसका नाम रखें जंतर मंतर, और वो ऑब्जेक्टिव बुक का अगर फॉर्मूला टोटल पढ़ लिए ना एग्जाम से पहले, कमाल करके आओगे, ये मेरा वचन रहा, वादा रहा। इसलिए एकदम उसमें मजे में खूब हिम्मत से तैयारी करना, हिला देंगे मार्केट को। क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर 1 - x² 1। पता है अपन इतना फॉर्मूला पूछे ना बाबा क्लास में, याद हो गया होगा कितना, 2 tan inverse x बताए थे ना क्या अपन, ठीक है क्या? आगे बढ़िए, साइन इनवर्स, अब अपन पढ़ते थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2, इसका मतलब π/2 - cos inverse x, π/2 - cos inverse x बराबर साइन, कोई दिक्कत? टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y, अब देखिए माइनस लगा हुआ है एकदम ध्यान से, तो माइनस प्लस, क्लियर? तो राइट आंसर कौन सा बाबा? ए 69। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए 70 की तरफ, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अरे बाबा एक और फॉर्मूला लगेगा, पता है अपन लोग पढ़े थे वो फॉर्मूला, याद कीजिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर करना है कौन सा फॉर्मूला बताए थे, शॉर्टकट साइन साइन इनवर्स बायस इक्वल टू बायस, याद आया? चलिए ध्यान दीजिए, आपको पता चल गया क्या बोले। चलिए साइन इनवर्स, साइन 4/5 है, देखिए 4/5 आपका ये -90 से 90, इसको पहले तोड़ के कम करना पड़ेगा। इसको करिएगा क्या, साइन इनवर्स रहने दीजिए, पहले इसको हम साइन 4/5 को इसको लिख सकते बाबू, पाई माइनस पाई बाय फाइव। ये बात आपको पता चल गया होगा कि पाई माइनस पाई बाय फाइव हम कैसे करते हैं, ये बात आपको पता चल गया होगा, तो ध्यान दीजिए π - π/5। अब ध्यान दीजिए क्योंकि साइन 180, इसको अगर घटाएंगे लघुत्तम लेंगे 5, 5 पाई में से पाई या 4 पाई, अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाय फाइव, और साइन साइन इनवर्स जो रहता है वही आपको फॉर्मूला बताए थे, राइट आंसर इधर π/5, राइट आंसर इधर डी। क्लियर? साइन साइन इनवर्स जो रहेगा वही राइट आंसर इधर है, इसमें आपको चेक नहीं करना, एंगल रहता तो चेक करेंगे, वैल्यू है तो कोई चेक नहीं, डायरेक्ट मान रखेंगे। ऐसे भी ये मान होगा आपका कितना डिग्री का, आप जोड़ के बताइए कितना डिग्री, 75 का होगा, यही हो सकता है, कोई दिक्कत आ रहा है? देख लेंगे जो होगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़िए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आपको इसलिए बोले थे जंतर मंतर जो नाम रखे है ना बुक का, उससे आप पढ़ के जाइएगा, वो मंतर है उसमें। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, बताए थे याद कीजिए एक बात, कॉस में अगर प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस, क्या रखेंगे? कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर, इसका मतलब यही है, क्योंकि इसमें प्लस है बेकार है, इक्वल बेकार है, राइट आंसर यही था ए। आइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू, साइन 90 डिग्री का मान बाबू 1, साइन 90 डिग्री का मान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान पाई बाय टू, कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0। इसमें जब बढ़ेंगे तो इसे देखिए, sec और cosec का मान पाई बाय 2, 2 से गुणा होकर पाई बाय 4, और tan 45 का मान, tan 45 का मान, tan 45 का मान, जल्दी बोल, आंसर इज द 1, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, 1 बाय x के पावर 6, ये dc चाहिए, तो यहां देखिए 1 बाय x के, 1 बाय 6 कांस्टेंट है बाहर, x के पावर 6, इसको डायरेक्ट गुणा करते 6 से 6 जो बच जाता है x के पावर 5, x के पावर 5, ये कहानी खत्म, ये कहानी आपका क्या हो जाता प्यारे बच्चों, कहानी खत्म, डायरेक्ट x के पावर 5, यहां बचता बाबू 1 बाय 5 है, और sin 5 का होता है cos 5x, और 5x का होता है 5, ये 5 से 5 कट गया, तो x के पावर 5 और माइनस के साथ cos 5x, राइट आंसर x के पावर 5 cos 5x, राइट ऑन, सॉरी जॉस, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, e के पावर e नहीं होता, 3x into 3 भी लगेगा, sin का cos होता है, sin का cos भी होता है, और 3x का 3, राइट आंसर इज द b। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखिए 2 लिखते हैं, cos 3x लिखते हैं, cos 3x का होता बाबू माइनस sin 3x, तो यहाँ लिख दिए sin 3x, और 3x का होता 3, 3x का होता 3, 2 sin into cos मिलके ये फॉर्मूला है sin 2, sin 2, और ये हो जाता मतलब 6x और 3, तो माइनस 3 sin 6x इज द राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 79, इसका डीसी बाबू 1 बाय x, log का डीसी 1 बाय x, तो 1 बाय 99x, और 99x का डीसी 99 आपका कट गया, तो कितना बच गया आपका 1 बाय x, राइट आंसर इज द सी। आइए 80 की तरफ बढ़ते हैं, 80 में क्या कहता है ध्यान से दीजिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन इतना फ्रॉम ओरिजिन। बाबा ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का सूत्र बताए थे क्या अपन, अपन बोले थे एगो, ध्यान दीजिए जरा, आपको हम एक दिखाते हैं, अगर किसी भी प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से लेते हैं और ये पॉइंट x1, y1, z1 है, तो इसी में ax प्लस by में हम लोग क्या करते थे, इसमें हम एक्स वाई को पहले इसके RHS को जीरो करते थे, RHS को जीरो इसमें रख के काम करते थे। चलिए आइए दिखाते हैं, तो इसके RHS को जीरो करेंगे तो यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, अब इसको करेंगे जीरो, इसको कर लेंगे कितना जीरो, इसमें जब एक्स का मान जीरो रखेंगे खत्म खत्म खत्म, तो यह आ गया माइनस 12 का मॉडुलस, माइनस 12 का मॉडुलस, नीचे में एक्स का वाई का जेड का कोफिशियंट का स्क्वायर, 7 का होगा 49, 8 का होगा 64, और 12 का होगा सॉरी 2 का होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, तो 64, 4, 8, 9, 8, 17, 6, 4, 10, 11, मतलब 12/117, 12/117। अब देखिए आपको ये निकालने का जरूरत तो नहीं पड़ता, खाली ऊपर देखिए 12 किस में है, ठीक, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, देखिए दो प्लेन जब भी हमेशा पैरेलल हो तो एक बात आपको ध्यान रखना है, सिर्फ उसमें कांस्टेंट का अंतर आएगा, एक्स का कोफिशियंट, वाई का और जेड का कोफिशियंट में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात को आप गांठ बांध करके कान खोल के इसमें रख लीजिए और दिमाग में घुसा के बटन टाइट बटन टाइट बटन टाइट, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ हमको कांस्टेंट में बदलाव खोजना है, एक्स माइनस 5y प्लस 7z खाली 12, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दिया हुआ है इतना का होल स्क्वायर क्या होगा, इससे भी अपना लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन लोग पढ़े थे ना, 77 49, 88 64 माइनस 2 देंगे, 7 आई या जो भी देंगे इधर कोई बात नहीं, क्योंकि आई और जे का खत्म ही हो जाता है, जीरो होता है, इधर 9 4 13 6 4 10 11 113, राइट आंसर इधर भी, समझ में आया ई का है खत्म हुआ, समझ में आया, क्योंकि आई और के का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, इसको लेना ही नहीं है, सिर्फ इसी काम चल जाता है, क्लियर है। आइए अब क्या कहता है इस क्वेश्चन में, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर के लिए क्या, यही वेक्टर को खाली मैग्नीट्यूड से भाग देना था, मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट टू, अब रूट टू कहाँ देखिए देखिए दिया हुआ है, कहता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इतना हम रहेंगे रूट टू से खाली भाग देंगे आगे बढ़ जाएंगे, क्या कह रहा है इसका डॉट निकालिए, इसका डॉट ध्यान रखिएगा, सेम आई आई के साथ डॉट होता है, जे जे के साथ डॉट होता है, के साथ डॉट होता है, बाकी का डॉट खत्म होता है, तो आई के साथ डॉट लेंगे तो 7, 2 से 2, अब जे के साथ लेंगे हाई नहीं, और इसका लेंगे छतरी के 18, 7
25, कोई दिक्कत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक छोटे से अंतराल पे पुनः मिलते हैं इसी चैनल पर। तब तक देखिए किसको किसको आप शेयर नहीं किए थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और लाल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी एंड यू ऑल्सो, क्योंकि आगे सब्जेक्टिव भी आएगा इसका, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, तब ना ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव आएगा, समझे कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी चैनल पर, जल्दी से नोट कर लीजिए इतना को। हेलो बच्चों, चलिए तो ठीक ठाक है ना आप लोग, अरे कंटिन्यू बने रहिए, समझे कि नहीं, किधर जाना नहीं है, अभी एग्जाम है बाबा, पढ़ाई कम से कम 10 घंटा, अभी स्टार्टिंग में 15 घंटा भी होना चाहिए टोटल, फाइनल जब जाने लगेंगे ना, समझे कि नहीं। अब मोस्ट टैलेंटेड बनिए ना, एक बार रिजल्ट आ गया ना, पापा क्या कहेगा पता है, रो बोल बेटा काले भूतू, समझा कि नहीं, हिंदी मीडियम में। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 85, द इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन देश ऑन एक्स एक्सिस, कहता है एक्स एक्सिस पर कितना कट कर रहा है। सबसे पहले इसको इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाइए, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी बराबर 1। इसको उस फॉर्म में ले जाने के लिए राइट साइड हमें 1 चाहिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करना रे पापा, 7 से डिवाइड करना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिख रहे हैं ना एकदम झकास। देखिए 7 से भाग दीजिएगा तो आएगा एक्स बाय 7, और हमको पूछ रहा है खाली एक्स का चाहिए इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, क्या चाह रहा है, द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन इतना ऑन एक्स एक्सिस, तो 7 राइट आंसर, इधर 7, एक्स पर कितना इंटरसेप्ट किया 7, क्योंकि 7 से भाग देंगे तभी तो ये 1 बनेगा। चलिए अब क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है द प्लेन इतना इज पैरेलल टू लाइन दिस, देन कंडीशन क्या होगा, ये इसके पैरेलल है। अब बताए थे दो अगर पैरेलल है तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो ए को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए, प्लस बी को गुना करेंगे 2 से हो जाएगा 2b, प्लस इसको इससे गुना करेंगे c को तो जाएगा 3c। अब बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अगर पैरेलल है ये प्लेन इतना एंड इतना आर पैरेलल, बराबर जीरो, ए प्लस 2b प्लस 3c, ए प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0। ध्यान दीजिए ये दोनों पैरेलल है, इस कंडीशन में इसका मान 0 होगा, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है इफ टू प्लेन्स इतना एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये प्लेन्स क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो अपने लोगों को पता है इनका कोफिशियंट a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान 0, राइट आंसर इज द बी, राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 88 की तरफ, 88 में दिया हुआ है दोनों का डॉट, ध्यान दीजिएगा आई के साथ आई, इसके साथ लीजिएगा 2, इनके साथ लीजिएगा 10 और इनके साथ लीजिएगा तो 10 10 10 20 2 कितना होता है 10 2 सॉरी इसके साथ 5 होगा ना, आई के साथ इसका मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 10 नहीं 5 होगा, यहाँ पे 5 10 5 15 2 17, राइट आंसर इधर सी, क्लियर है। आइए पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, ए बाय बी आपको फॉर्मूला बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सबका मान खोजिए, इसका मान दिया है 4/7, कितना दिया हुआ है 4/7, बी का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 6/7। अब जरा ध्यान से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 2 4 2 3 6 आंसर 2/3, राइट आंसर इधर बी, कोई दिक्कत। अब इसमें कह रहा है 2/7 सबका मान दिया हुआ है, इंटरसेक्शन वाले का मान होना, कुछ नहीं सूत्र पे लगाइए। आप फॉर्मूला पढ़े थे पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़े थे, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, सॉरी ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब इसका फॉर्मूला इसका वैल्यू बन जाएगा पी ए यूनियन बी का अगर मान आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मान बन जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, दोनों को जोड़िए 2/7 प्लस 4/7 को जोड़ेंगे 6/7, 6/7 में 5/7 घटिए जाएगा तो कितना बच गया 1/7, क्लियर है। अब आइए इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट ध्यान रखना है, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होगा पी ए, सिंपली इसका दोनों का फॉर्मूला होता है दोनों को गुना कर दीजिए, यही होता था पी बी, पी ए का मान दिया हुआ बाबू 0.7 और पी बी का मान दिया हुआ 0.6, दोनों को गुना करेंगे तो 0.42, सच्चा के 42
आइए राइट आंसर इज द डी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका सह खंडन आव्यूह चाहिए, मतलब एडजॉइंट चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 92 की तरफ। एडजॉइंट, एडजॉइंट में बताए थे इन दोनों का अदला बदली, तो यहाँ पे 4-2 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और इनका साइन का बदला बदली -25 और ये आएगा -1। देखिए तो कोई ऑप्शन है, अगर ऐसा है 4-2 नहीं, राइट आंसर इधर डी, नन ऑफ दिज, नहीं है तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दिज। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दिस देन द वैल्यू ऑफ ए, आपको पता है अपना लोग एक पढ़े थे ना बाबा रे, कौन सा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 पढ़े थे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप करते हैं इसको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान, बोले थे बी बी आई है आई बी ए टू करता हो कितनों कुछ कर ले आएगा ही आएगा, तो 1/26 इसको लिखेंगे तो 9/26 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 26 बराबर कितना हो जाएगा 1। इसको जोड़िए कितना आ रहा है 26, राइट साइड भेज दीजिए तो 10 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 26, अगर इसको राइट साइड भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान 16, तो x का मान 4 पूछ रहा था क्या होगा x का वैल्यू, तो 4 क्लियर है। आइए कहता है, अब जरा ध्यान दीजिए, a का मान दे दिया गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और उसके पावर 5, यूनिट मैट्रिक्स में कितना पावर लीजिएगा वही मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज जी आंसर था वही मिलेगा, यही मिलेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ऑपरेशन ओ, ओ के लिए दिया हुआ है बीच में प्लस, मतलब ए ओ बी का मान, तो कहता है इसका मान सिंपल है, टेन की जगह 10 रहने दीजिए, ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं 2+7, क्योंकि देखिए ए प्लस 7 बी, बी की जगह 3 है, 3 सत्या 21 2 23, तो ये जाएगा 10 और यहाँ पे बच गया सॉरी 1 ऑपरेशन का सिंबल और ये जाएगा 23, इसका कितना हो जाएगा 1+7 × 23 और इसको जोड़िएगा कितना 27+3 और ये हो जाएगा 7×2=14+1=162, तो राइट आंसर इज द 162, राइट आंसर इज द बी, क्लियर है। अब जरा इस 96 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल नया है आपके लिए, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होगा, चलिए एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा आपको हम एलोबरेट कर दें, ज़्यादा आसान होगा, इधर ये इसको हटा, इसका आंसर 162 था, आपको हम बता दिए थे, आप देख चुके थे। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे हमें किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या है एन और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में है हमारे पास एम, कितना है एम, तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ क्या पूछा गया बाबू, रिलेशन, डिस्टिंक्ट रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा आपका डिस्टिंक्ट रिलेशन का संख्या जो हो जाता है वो आपका हो जाता है बाबू 2 के पावर में m इंटू n। इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए इसमें है 3 और इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 × 15 2 के पावर 15, राइट आंसर इज द बी। सेम क्वेश्चन नीचे भी है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है इसमें, इसमें 3 गो है, इसमें 2, 4, 2, 6, 6, 3, 18, 2 के पावर 18 खोजेंगे, राइट आंसर इधर ये, तो इसका हो जाएगा आपका 2 के पावर 15 और इसका हो जाएगा 2 के पावर 18, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछ क्या रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एकदम सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए ना, 2 की जगह 2 dx का x y अपल बराबर कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट, तो 2x प्लस y बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट, मार दिए 2x प्लस y बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट, ये सर आप कैसे सोच लिए, ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल में बताए थे ना बाबा, इसको उधर भेज के भी कीजिए तो वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, k डॉट k का मान हमेशा 1, आपको बताए थे डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ होगा हमेशा 1, जे क्रॉस के साथ 90 डिग्री पर है, अब जे क्रॉस के थोड़ा सा खोई लीजिए, यहाँ मान लीजिए जे था यहाँ हमारा के था, तो जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, राइट आंसर इधर ए, शतक पुड़ गया मेरा, ओए ओए कोई दिक्कत, शतक पुड़ गया। देखिए प्यारे बच्चों हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव का पूरा सेक्शन खत्म हुआ, हम लोग सब्जेक्टिव के तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल देगा कौन, आपका लाल बटन, तो थोड़ा सा रेड बटन को दबाना ना भूले और शेयर पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे शेयर करेंगे आपके दोस्तों को भी एक फायदा मिलने वाला है उससे, कि अरे बाप रे मॉडल सेट का सॉल्यूशन सर भी करवाए हैं, देख लेंगे तो मजा आने वाला है, ठीक है। तो जाते जाते हम आपको बताते हैं कि इस ठंड के टाइम में
पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि लोग आपको ये नहीं पूछेंगे आपका रिजल्ट कितना आया, क्या आया, आपका ये पूछना चाहेंगे रिजल्ट कितना आया, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग सिर्फ और सिर्फ सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं, और तुम कुछ करके दिखाओ।